हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीट रूट यानी चुकंदर के बारे में। चुकंदर के सीड्स में हम थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। हल्दी एक फंगिसाइड का काम करती है। आप चाहें तो इन बीजों में हल्दी की जगह राख या मिट्टी के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का फंगिसाइड पाउडर डालने से आपके बीज कीट से बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं। जब भी हम किसी भी तरीके का जमीकंद उगाते हैं तो शुरुआत में ही खाद की मात्रा काफ़ी अच्छी रखिए, जिससे आपके बीज जल्दी ग्रो होते हैं और ज़मीन के अंदर ग्रो करते हुए इनको पूरा पोषण मिलता है। ये देखिए, मिट्टी में खाद का रेशियो आप इजीली देख सकते हैं। ये बीज मैंने हल्की सी ढेरी बना के लगाए हैं, यानी छोटा सा पहाड़ बनाया है मिट्टी का। इसका फ़ायदा हमें ये रहता है कि जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी सीधा जड़ों तक पहुंचता है और पौधों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। बीजों को हल्का सा दबा देंगे और इस पे पानी का छिड़काव करेंगे। ये एक महीने बाद का रिज़ल्ट है। आपकी चुकंदर की हरी हरी पत्तियाँ आप सूप या जूस में ले सकते हैं। इन पत्तियों को काटने से फल की बढ़ोतरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और 2 महीने में हमारे चुकंदर की फसल तैयार हो जाती है।